समाजक्के जय ओ सरकार समाजक्के जय दिवंगत उत्तल्ति एरेरवरिगे जय दिवंगत उत्तल्ति एरेरवरिगे जय आज के दिन कर्नाटक सरकार और जो भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे जो कर्नाटक में कोली कब्बलिगा गंगा माता ये जो जात के लोग हैं ये लोगों का जो बहुत दिन से 40 साल से हम लोग हमारा जात को एसटी में दाखिल करके हमको एसटी सर्टिफिकेट देना बोल के हमारा होराट चालू है। तकरीबन 40 साल से हम लोग होराट कर रहे कि हमारे को एसटी चाहिए। हमारे जो यहाँ पर रहते हैं लोग कोली समाज के लोग बहुत गरीबी में रहते हैं, ये लोगों को शिक्षण नहीं है, ये लोगों के लिए कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं है, ये लोगों के लिए सरकार कोई सहूलत नहीं दी आज तक। यहाँ पर जो हमारे कोली और कब्बलिगा जो नाम से जाना जाता है कोली समाज के लोग भारत देश में जो उत्तर प्रदेश गुजरात ओडिशा ऐसे 14 जो राज्य में एससी और एसटी में है, यहाँ पर भारत देश के मूल निवासी हम लोग 14 स्टेट में एसटी और एससी में है, लेकिन कर्नाटक में ये भारत देश स्वतंत्र पूर्व पहले जो टोकरे कोली बोल के एसटी में थे, जो बिदर डिस्ट्रिक्ट में एसटी में टोकरे कोली का जो नाम है वो लोगों को एसटी सर्टिफिकेट दिया जाता, लेकिन वो कर्नाटक में किधर किधर है वो सब लोगों को एसटी नहीं देते। आजकल भी वहाँ पर भी बिदर में भी एसटी देने के लिए पीछे हट रही है गवर्नमेंट। ऐसे स्थिति में हमारे कर्नाटक में कोली समाज के लोग हैं बहुत गरीबी लोग हैं, आजकल की महंगाई में हमारा जीना हराम हो गया। हम लोगों के लिए कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं है, कोई सरकार की सहूलत नहीं है। हम लोग हमारे जो जात के लोग हैं मजदूरी करके अपना जिंदगी चला रही है। आज का मजदूरी में एक दिन का मजदूरी एक लीटर तेल के लिए बस नहीं हो रही है। जो एक लीटर मीठा तेल होता घर के लिए एक दिन का मजदूरी उसमें ही जा रहे, इसमें हमारा जीना हराम हो गया। अगर सरकार हमारे लिए जो वादा किए थे पिछले गए हुए लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री और बीजेपी के अनेक नेता लोग और भारत देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आने के बाद जो गुलबर्गा शहर में लोकसभा चुनाव का प्रचार में आए थे उन्होंने जब वादा किए हम कोली समाज को एसटी बनाते, हम कोली समाज को मैं कोली समाज को याद रखूंगा बोले थे, लेकिन आज तक याद नहीं आ रहा है उनको। हमारा जो एसटी का फाइल है केंद्र सरकार ऐसे ही पेंडिंग में रख दिए, इसलिए हमारे जो नौजवान लोग हैं एक एक हिस्से में स्ट्राइक कर रहे हैं, अपना योगदान कर रही है। आज के दिन हमारे जो राजशेखर जमादार और रामतीर्थ और उनका साथियों ने मिलके यहाँ से कर्नाटक गुलबर्गा सिटी से दिल्ली तक साइकिल पर जाता निकल रही है कि इसलिए निकल रहे हैं कि हमारे को एसटी का वादा किए थे, हम लोग परेशान हैं, हमारे को जो बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दिए हुए हक के तरफ से
जो संविधान के हक के तरफ से हमको एसटी मिलना चाहिए बोल के ये लोग हमारे यहाँ से साइकिल पर जाता कर रही है। वहाँ पर जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और इनका जो मनवी है वहाँ पर देंगे। हमारा जो एसटी है जल्द से जल्द बनाना चाहिए बोल के हम लोग आग्रह कर रहे हैं। अभी जो आगे चुनाव आ गई है, विधानसभा चुनाव कर्नाटक के, उसके बाद में लोकसभा चुनाव आ रहे, अगर कोली समाज का आप भलाई चाहते, कोली समाज के जो गरीब लोग हैं उनको आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमको एसटी देना चाहिए। अगर नहीं होता तो हम आगे जो विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पक्ष जो हमारे को वादा किए थे, हम वादा के तरफ से हमको आपको वोट दिए और इस टाइम में आपको गिरा के हम आपको याद दिलाना चाहते। ये इस मौके पर हम सब लोग का यही उम्मीद है हमको जल्द से जल्द एसटी मिलना चाहिए। अगर एसटी नहीं मिले तो हमारा होरा हर तरीके से, कोई साइकिल जाता करेगा, कोई उपवास रहेगा, कोई स्ट्राइक करेगा, कोई रास्ता रोको करेगा, कोई जेल भरो करेगा, ये यहाँ से और फुल गुलबर्गा शहर से ये आज से जाता चालू हो गया। यहाँ गुलबर्गा जो शहर है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक, मतलब तिम्मापुर चौक बोलते, यहाँ से निकलेंगे जो आलंद रोड से डायरेक्ट दिल्ली तक साइकिल पर जाएंगे लोग। तकरीबन यहाँ से तो आज एक 10 लोग निकल रहे, वहाँ पे आगे जाके आलंद में कुछ लोग ज्वाइन होते, ऐसे कितने साइकिल पर ज्वाइन होते लोगों सब लेके हमारे जो साथियाँ हैं उन्हों दिल्ली तक पहुँचेंगे। कितने का सफ़र है सर? यहाँ से जो साइकिल पे एक महीना 10 दिन तक हो जाएगा, मतलब 40 दिन तक ये पूरा करेंगे। वहाँ पर भी लोग ज्वाइन होते, यहाँ से ऑल इंडिया में हमारे कोली समाज के लोग रहते हैं। हमारे कोली समाज को एसटी मिलना चाहिए, हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए बोल के हमारे महाराष्ट्र में भी ये चालू है, आगे उत्तर प्रदेश है वहाँ पर भी चालू है, मध्य प्रदेश, हर जगह में लोग ज्वाइन होंगे। कर्नाटक शुरू होकर महाराष्ट्र में ज्वाइन होंगे? कर्नाटक से महाराष्ट्र ज्वाइन होते हैं, वहाँ से मध्य प्रदेश जाते हैं, वहाँ से उत्तर प्रदेश और वहाँ से हरियाणा, हरियाणा से गुजरात नहीं जाते, दिल्ली। ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಬಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ ರಾಮತೀರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜು ಜಮಾದಾರ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೋಲಿ ಕಬ್ಬಲಿಗ ಅಂಬಿಗ ಬೆಸ್ತ ಉಳಿದ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳೇನವ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ವಿಠಲ್ ಹೇರಿ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟಲ್ ಹೇರಿದವರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿನೇ ಆಗೋದ್ರು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ 40 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಚೌಕ ಚೌಕದಿಂದ ಅಳಂದ ನಾಕದಿಂದ ಅಳಂದ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾವು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇವತ್ತು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂಜಾನೆ 11:00 ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತದ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕುಲ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಳಕಳಿ ಅದ, ಇವತ್ತು ನಾವೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆರಿ, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ.